न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। अगली खबर में हम बात करते हैं रीवा की। त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव की तिथि की घोषणा होते ही कर्मचारियों से लेकर नेता तक अपने पति पत्नियों को चुनाव मैदान पर उतार दिया है। साथ ही कर्मचारी भी अपने परिवार के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है, जिससे प्रशासनिक दुरुपयोग भी जमकर कर रहे हैं। शासन की योजनाओं को भी अपनी योजना मानकर अपनी तिजोरी भरने वाले अब वोट लेने के लिए स्थानीय लोगों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे ही कोटेदार से परेशान रीवा जनपद पंचायत के खड्डा ग्राम पंचायत के निवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोटेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ग्राम खड्डा की ग्राम पंचायत खामहा है, जहां आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। गांव में कोटेदार सरकारी राशन की दुकान में राशन वितरण के लिए बैठाया गया है, लेकिन कोटेदार राशन वितरण के नाम पर दबाव बनाकर सिर्फ राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है, जिसके खिलाफ जांच कर कार्यवाही की मांग की गई है। आइए सुनते हैं कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने क्या कहा। कि हम लोग ग्राम पंचायत खामहा से आए हैं और ग्राम पंचायत खामहा में जैसा कि विदित है, आज के टाइम पे चुनाव चल रहे हैं, हर पंचायतों पे चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोटेदार है, जो उचित मूल्य की जो दुकानें हैं शासन की खोली गई हैं, उन पे जो सेल्समैन बैठता है, कोटेदार हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, जो कोटेदार हैं पिछले 5 साल से वहाँ पदस्थ हैं, और पदस्थ तो है ही हैं, लेकिन उनको पूरी आबादी को ऐसा उन्होंने कर रखा है कि जो भी राशन पानी की दे रहे हैं शासन की सुविधाओं, कुछ ऐसा उन्होंने उनको भ्रमित कर रखा है कि अपने घर से दे रहे हैं। पूरी की पूरी आबादी जो है वो ऐसे दबाव में रहती है कि यदि कोटेदार जहाँ कह रहे हैं वहाँ वोट देना पड़ेगा। कोटेदार का जो मुद्दा मेन है, राशन की दुकान तो एक केवल प्रतीकात्मक उनका काम है, बाकी मेन काम उनका है चुनावी चीज़ों को मुद्दा रहता है, चुनाव है, वोट है, वोट यहाँ दो, पर्चा कौन भरे कौन न भरे, किसका पर्चा निकलवा देना है, किसका पर्चा क्या करना है। उनके पिताजी पुराने सरपंच भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी राजनीति करते हैं, आज के टाइम पे भी प्रत्याशी उन्होंने एक अपना कर रखा है। वो जो कोटेदारी उनकी है, उस कोटेदारी के बिहाब पे वो सारे के सारे लोगों से वोट लेते हैं और प्रचार करते हैं 24 घंटे। आज कलेक्टर साहब को हम लोगों ने पूरी स्थिति से अवगत कराया, कलेक्टर साहब ने आश्वस्त भी किया कि अभी तत्काल में कार्यवाही कर रहे हैं, और तत्काल से उनको सस्पेंड करने के लिए भी आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने, पूरी जाँच भी बैठाने के लिए बोला है। हम लोगों का मेन विषय ये था कि या तो ये कोटेदारी करें और जैसा कि शासन के एक प्रतिनिधि है केवल वो काम करें, और या तो इनको इस ग्राम पंचायत से उठा के कहीं और उनको ट्रांसफ़र किया जाए या सस्पेंड किया जाए। कायदे से तो उनके ऐसे कर्म हैं कि उनको तत्काल बर्खास्त ही करना चाहिए। रहने वाले भी उसी ग्राम पंचायत के हैं और उसी ग्राम पंचायत के सेल्समैन पर बैठे, पिछले 5 साल से बैठे। क्या नाम है? उनका नाम संतोष पाठक। समझ सकते हैं आपकी कैसी भी स्थिति होती है कि कोटेदार जो राशन देता है, गरीब आज भी राशन की लाइन पे लगे, महीने के 30 दिन होते हैं वर्किंग डे, हम 20 दिन भी पकड़ लें, यदि 20 दिन कोटा खुले तो आज के टाइम पे कहीं लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं। बराबर गल्ला नहीं दिया जाता क्या? गल्ला तो कुछ बिल्कुल बराबर गल्ला नहीं दिया जाता, गल्ला के बदले दबाव दिया जाता है कि तुमको गल्ला मैं देता हूँ, मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ वोट दोगे। कई प्रत्याशी यहाँ पे भी उपलब्ध हैं जिनके पर्चा निकलवा लिए गए, पर्चा भरने के बाद सोचिए उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतती है जो चुनाव के पर्चे को भरा हो और दबाव बस उसको पर्चा वापस करना पड़ रहा हो। कोटेदार तो ये धमकी पूरे गांव के जर्नी से मरनी तक, तुमका हम ही काम दे, दूसर काम न दे, शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी गल्ला दे ना ही, ये कोटेदार की स्टेटमेंट है। कोटेदार महीने पे 1 या 2 दिन राशन खोलेगा, लंबी लाइन कतार लगती है। ये बताइए आज भी गुलामी चल रही है, अंग्रेजों का राज चल रहा, लाइन की स्थिति क्यों आई, क्यों आनी चाहिए लाइन की स्थिति? यदि रोज़ गल्ले की दुकान खुलती है, टाइम ड्यूरेशन है उसका, जो भी सरकारी समय हो रोज़ खुले, तो क्या लाइन की ज़रूरत है?